Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, I'll be talking about what is exactly taught in customer service round. जो cabin crew का customer service round होता है, उसमें क्या सिखाया जाता है? तो मैं आज उसी के बारे में बात करूँगी. So yeah, please watch the video till the end. And without any further ado, let's just roll the intro. कैबिन क्रू इंडस्ट्री का एक कैबिन क्रू एक प्रोफेशन का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इज कस्टमर सर्विस. तो कैबिन क्रू का डेफिनेशन ही वो है, कैबिन क्रू का एक जॉब ही वो होता है, पैसेंजर्स सर्विस एंड सिक्योरिटी. कस्टमर सर्विस एंड सिक्योरिटी इज अ मोटिव ऑफ कैबिन क्रू, अ जॉब ऑफ कैबिन क्रू. सो अलॉन्ग विथ इमरजेंसी, कस्टमर सर्विस राउंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट्स वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड्स इन कैबिन क्रू ट्रेनिंग इन कैबिन क्रू इंडस्ट्री. तो या कस्टमर सर्विस राउंड में क्या होता है? तो कस्टमर सर्विस राउंड में आपको सबसे पहले तो अपना फुल यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है. जैसे कि आप फ्लाइट पे जाते हो, जैसा आप यूनिफॉर्म पहन के, वैसे आपको ट्रेनिंग में ही आपका यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है. दैट इज़ द प्राउडेस्ट मोमेंट. तो जब हम किसी यूनिफॉर्म में देखते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि हाँ, अभी अपने लास्ट वाले मॉड्यूल पे है, कस्टमर सर्विस के मॉड्यूल पे है, एंड अब इनका ग्रेजुएशन होने वाला है. सो या यूनिफॉर्म आपको पहनना पड़ता है एकदम सेम तरीके से जैसे आप फ्लाइट पे पहनोगे. सब कुछ वैसे ही पहनना रहता है. एंड देन बाद में वो राउंड्स के अंदर आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं, एवरीथिंग अबाउट फूड, आपके मेनू में क्या है, पूरा मेनू आपको बायहार्ट करना पड़ता है, विद प्राइजेस, विद द प्रोडक्ट नेम. तो जैसे कि सैंडविच में क्या मिलता है, जैसे कि पनीर टिक्का सैंडविच, चिकन जंगली सैंडविच, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, उसके प्राइस क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है कि पनीर टिक्का सैंडविच इज़ फॉर 200 रुपीज़ एंड चिकन जंगली सैंडविच इज़ फॉर 250 रुपीज़, एंड बाकी सारी चीज़ें कितने प्राइस की है, क्या है, नूडल्स कितने का है, 200 रुपीज़ का नूडल्स है, एंड वो सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट करनी पड़ती है. सारे मेनू के प्राइजेज एंड एवरी थिंग यू शुड हैव इट ओवर हियर, आपके दिमाग में सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो वो आपको सिखाते हैं सारी चीज़ें, तो वो आपको बायहार्ट करनी पड़ती है सारी चीज़ें. एंड देन अगर कोई मेनू में चेंजेस हुआ है तो उसके प्राइजिंग एंड वो सब आपको बता देते हैं कि अब ये वाला डिसकंटिन्यू हो गया है फूड आइटम एंड उसके जगह पे ये फूड आइटम आया है. तो वैसे करके, बिकॉज एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे फ्लाइट में, मतलब ऐसा होता रहता है यूजुअली, दाल चावल का प्रीमिक्स आता था पहले, तो जो दाल चावल का प्रीमिक्स रहता था वो रिप्लेस हो गया था सांभर राइस से. तो वो वाला एक रिप्लेसमेंट था, तो हमें वो बता दिया जाता था, तो हमें उसके बारे में बताया जाता है. देन हमें कार्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे लेनी है वो बताया जाता है. तो ये डिटेल में तो आप जब कैबिन क्रू बनोगे, जब आप ट्रेनिंग करोगे, उसमें आपको समझेगा. बट आई टेल यू और बेसिकली क्या रहता है. तो जब आप का केटरिंग लोड होता है फ्लाइट में, तो तब आपको ओपनिंग मिलती है कि ना, आपको चेक करना रहता है कि जितना उसके अंदर दिया है नंबर्स, उतने प्रोडक्ट्स है क्या. जैसे उसमें दिया है 10 कैश्यू बॉक्स, तो आपको चेक करना है पहले कि आपके 10 कैश्यू बॉक्स है क्या. देन 4 वेज सैंडविचेस, तो आपको चेक करना है 4 वेज सैंडविचेस है क्या. एंड देन बाद में वो सारी चीज़ें उसे ओपनिंग लेना बोलते हैं. एंड देन यू हैव टू साइन एंड गिव द पेपर्स टू द ग्राउंड स्टाफ. तो वैसा रहता है. एंड इसे कहते हैं ओपनिंग लेना. नाउ क्लोजिंग इज़ लाइक जब आप फ्लाइट कर देते हो पूरे, उसके बाद आपके पास कितने प्रोडक्ट्स बचे हैं, कितनी चीज़ें बची है, उसके बारे में आपको काउंट करके लिखना रहता है. तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग. तो कितने आपको बेचने के बाद कितने बचे हैं वो आपको लिखना पड़ता है. देन प्री बुकड मील्स किस किस के थे एंड आपने उनको क्या क्या सर्व किया जिनके प्री बुकड मील्स थे, वो आपको लिखना पड़ता है. एंड ये जो हम लिखते हैं, ये केटरिंग शीट पे लिखते हैं, तो वो कैलकुलेशन सिखाया जाता है हमें कस्टमर सर्विस राउंड में. तो केटरिंग आपकी डे वन से आपको सिखाते हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़े. तो आपको पूरा आपके पास इतनी ऐसी पूरी ऐसी गड्डी बन जाएगी पूरी केटरिंग शीट की ट्रेनिंग के टाइम. बिकॉज आपको वो लोग 3.5 महीने की जो ट्रेनिंग रहती है, उसमें हर दिन आपको केटरिंग का एक राउंड कराते ही है आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए. एंड वो वर्क करता है फ्लाइट में, एंड देन आपकी स्पीड बढ़ जाती है. बिकॉज अगर थोड़े भी पैसे का डिस्क्रिपेंसी आया
तो वो आपके सैलरी से कट होगा. सो यू डोंट वांट दैट लॉस, राइट? तो इसलिए आपकी हैबिट होने के लिए वो लोग आपको सिखाते हैं. ओके, सो वंस यू आर डन विथ योर केटरिंग शीट, तो वो आपको सारी केटरिंग का जब आपको सिखा दिया उन्होंने, उसके बाद आपको गैली सिखाते हैं. आपका गैली होता है फ्लाइट का किचन, तो जो फॉरवर्ड एंड आफ्ट में जो कैबिन क्रू करती रहती है, चीज़ें निकालती है, तो वो सारी चीज़ें, वो वाले सेक्शन को गैली बोलते हैं. तो फॉरवर्ड में एक गैली होती है एंड आफ्ट में एक गैली होती है. तो गैली में जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शंस रहते हैं, किधर क्या रखा है, कौन से सेक्शन में क्या रखा है, वेयर आर योर हॉट वाटर फ्लास्क एंड देन पेपर कप्स कहाँ पे है, गुड़ी बॉक्स कहाँ पे है कैबिन क्रू की, तो वो सारी ट्रेस कहाँ पे है, सारी चीज़ें, डेमो के किट्स कहाँ पे रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताया जाता है कि ये गैली में ये रखा रहता है, वो गैली में वो रखा रहता है. आपका जो भी सब आपको डिटेल में बताया जाता है कि कौन से गैली में कौन से सेक्शन में क्या रखा रहता है, वो आपको डिटेल में बताया जाता है. एंड या गैली के नंबर्स आपको बताते हैं सब डिटेल में. उसके बाद आता है आपका सर्विस राउंड. तो सर्विस राउंड में आपको लिटरली जो कार्ट रहती है वो कार्ट पुल करने सिखाते हैं, बिकॉज द कार्ट इज़ वेरी हैवी एंड आपको एक कंफर्टेबल होना चाहिए वो कार्ट पुल करते टाइम. तो या दे टीच यू हाउ टू पुल अ कार्ट, हाउ टू लॉक अ कार्ट, एंड इन केस ऑफ टर्बुलेंस आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं. एंड देन दे टीच यू हाउ टू सर्व द मील, आपको कैसे कप्स को पकड़ना है, आपको पैसेंजर की तरफ देख के कैसे ऑर्डर लेना है, एंड उसके भी तरीके रहते हैं. सो दैट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक. आपको कौन से वर्ड्स बोलने हैं, कौन से फ्रेजेस बोलने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाया जाता है. एंड आपको कितने टाइम में करना है मील प्रिपेयर करना है, बिकॉज फ्लाइट में आपको इतना टाइम नहीं रहता है कि आप एक पैसेंजर को आराम से सर्व करो. यू नीड टू बी क्विक, राइट? तो आपको कुछ अंडर वन मिनट आई गेस आपको सर्व अपना एक पैसेंजर को कंप्लीट करनी रहती है सर्विस. तो ये आपको सिखाया जाता है. आपको बार बार ये सिखाया जाता है ताकि आपका स्पीड बढ़े. तो आपका इसके बाद एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में आपको उतने टाइम में सब कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है. एंड उसमें आपको सब पूछते हैं वो लोग. एंड आफ्टर दिस दे हैव मर्चेंडाइज राउंड. तो मर्चेंडाइज राउंड ये होता है कि ऑन बोर्ड जो दूसरे प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर्स एंड मैग्नेट्स एंड डिफरेंट स्टफ्स, दूसरी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, वो सारी चीज़ें भी होती है ऑन बोर्ड, तो आप ख़रीद सकते हो. तो जब आप फ्लाइट में जाते हो तो आपके सीट बैक पॉकेट में एक मैगजीन होती है, तो उसके अंदर सारी डिटेल्स दी रहती है, जैसे कि मेन्यू कैसा रहता है, तो वो सारी चीज़ें दी रहती है. तो वो उसका ध्यान लीड रखती है, जो मर्चेंडाइज कार्ट रहती है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग सारा ध्यान लीड रखती है. एंड वो वाला कार्ट का राउंड जो रहता है, तो वो लीड और L2 करते हैं, जो सेकेंड इन कमांड रहती है फ्लाइट में, ये दोनों मिल के वो राउंड कंडक्ट करते हैं. तो उसके बारे में बताया जाता है आपको, क्या प्रोडक्ट्स है, उसके प्राइजेस क्या है, तो ऐसा सब बताया जाता है. सो ये होता है. देन इंटरनेशनल एयरलाइंस में यू हैव टू सर्व अल्कोहल. डोमेस्टिक एयरलाइंस में अल्कोहल सर्विंग नहीं है, बट इफ़ यू गेट इंटरनेशनल एयरलाइन, जो मुझे कभी नहीं मिली है, बिकॉज आई वॉज इन जयपुर एंड वहाँ से ऑपरेशंस नहीं थे, तो दे टीच यू हाउ टू सर्व अल्कोहल एंड देन कौन से टाइप्स है अल्कोहल के, तो नाम क्या है, वो सारी चीज़ें, और कौन से फ्रेज यूज़ करने हैं, वैसे वो सारी चीज़ें सिखाते हैं. देन आपको एक राउंड रहता है जिसमें दे लिटरली सेंड यू टू टॉयलेट्स एंड देन आपको टॉयलेट क्लीन करने, मतलब नॉट लिटरली पुटिंग योर हैंड्स इन क्लीनिंग, नॉट लाइक दैट, बट आपको एक बेसिक टॉयलेट क्लीनिंग सिखाते हैं कि अगर आपका सीट गीली है तो उसे टिश्यू से साफ़ करना है. एंड देन जो टॉयलेट पेपर है उसका ट्राइंगल में कैसे फोल्ड करना है, एंड डिस्पेंसर सोप का जो है हैंड वॉश का, तो वो फुल है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करनी रहती है. टॉयलेट क्लीन है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करनी रहती है. तो ये बेसिक आपको सिखाया जाता है उस राउंड में, कस्टमर सर्विस राउंड में. सो इट्स बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू सर्विस. तो जो पूरी चीज़ें जो सर्विस से रिलेटेड रहती है, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है. तो दिस इज़ वॉट इज़ कस्टमर सर्विस राउंड.
इन कैबिन क्रू ट्रेनिंग, तो ये होता है। तो इसके बाद आप कस्टमर सर्विस राउंड में ही एक बार आप अपने ग्रेजुएशन डांस की प्रैक्टिस करते हो। तो हमारी एयरलाइन में तो ऐसा था दैट वी हैव टू सिलेक्ट अ सॉन्ग एंड देन यू हैव टू चेंज द लिरिक्स एंड मेक इट एंड एयरलाइन का सॉन्ग, कैबिन क्रू से रिलेटेड हमें उसकी लिरिक्स चेंज करनी है। तो हमने जो माइली साइरस का पार्टी इन यूएसए है तो हमने उसको चेंज करके कैबिन क्रू के लिरिक्स डाल के हमने वो परफॉर्मेंस दी थी। तो या दिस वॉज इट, एंड ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है आपको कस्टमर सर्विस राउंड में, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ सर्विस बिकॉज योर सर्विस नीड्स टू बी परफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ येस देन डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई डी समवेयर हियर। सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डी एम करो मुझे एंड आई रिप्लाई टू यू गाइज। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।